लास्ट हम क्या कर रहे थे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट किया था हमने, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का लाइन कैसे होता था हमेशा, देखो ऐसे ये ग्राफ बना, ये स्ट्रेट लाइन, ये बनती थी अपनी कौन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। फिर हमने किसका देखा था, वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनी थी अपनी, ये इस टाइप का एक ये ऐसे मार्जिन बनी थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। फिर हमने क्या किया था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की थी हमने। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो स्लोप था वो कैसे जाता था अपना, ये डाउनवर्ड स्लोप आ रहा था ऐसे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्या करेंगे अपन स्टडी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आउटपुट इन यूनिट्स मैं देखती हूँ इसमें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल एवरेज कॉस्ट, ये हो गया आउटपुट इन यूनिट्स, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 लूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेती हूँ 0, 40, कल वाला ही लेती हूँ ना, कंटिन्यू कर रही हूँ, 60, 80, 100, सॉरी 100 नहीं आएगा, 120 आएगा इसमें, ये हो जाएगा 180। तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल में से डिवाइड करेंगे किसको, आउटपुट को, ठीक है। तो टोटल कितना है, 0/0, ये हो गया डैश, देन 40/1 40, 60/2 30, 80/3 करूँगी तो 26.6, सेम 120/4 करती हूँ तो 30, एंड 180/5 करती हूँ तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो गया 40 30, 26.6 30, और ये हो गया 36। अगर मैं इसको ग्राफ में पुट करती हूँ तो ये देखो, ये हो गया वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट इसमें देखो, अगर यहाँ पे आउटपुट लेती हूँ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे लेती हूँ मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 8, 16, 24, 32, 40। तो देखो 0 में 0 ठीक, 1 में देखो कितना आ रहा है, 40, ये फर्स्ट, ये हो गया 40। सेकेंड देखो, सेकेंड पे कितना आ रहा है, 30, ये हो गया अपना सेकेंड, ये हो गया 32, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे करूंगी, ये हो गया 30। थर्ड पे कितना आ रहा है, 26, तो ये 24, जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही हो गया 26। फोर्थ पे कितना आ रहा है देखो, 30, तो ये फोर्थ, ये 26, ये देखो फिर से ये 30 फोर्थ पे ना। फिफ्थ पे कितना आ रहा है देखो, 36, थोड़ा सा ऐसे जाएगा यहाँ पे, आ रहा है समझ में, बताओ। जो नेक्स्ट मैम, देखो, अब इसको टोटल करूंगी तो देखो क्या बनता है।
फाइव पे बन रहा था 36। योगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कैसा कर्व बना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बताओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज, लिख के रखो ये पॉइंट, यू शेप्ड कर्व बनेगा। कौन सा बनेगा? यू शेप्ड, शोइंग द बिहेवियर ऑफ डिक्लाइनिंग कॉस्ट, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट लिखना, इन द इनिशियल स्टेजेस एंड फाइनली। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, धीरे धीरे वो कम होते जाती है, वो फिर से अपने हाईलाइट ऊपर पे आ जाती है। आ रहे समझ में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर? तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट कैसा कर्व बनाएगी। समझ में आया? जैसे कल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा कर्व बनाई थी, ये इस टाइप का, ठीक, और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बना रही है। तो आपको एग्जाम में कभी मार्किंग करनी हो मार्केट वाले चैप्टर में, तो अगर उसमें आया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपकी कर्व डायरेक्ट नीचे। वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट ऐसे, फिक्स्ड कॉस्ट पूछेगा तो ऐसे। तो आपको नेचर ऑफ कर्व पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यस मैम। ये था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ चुका है, व्हाई इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। तो ये इसके बारे में पूछ रहा है। एवरेज कॉस्ट यानी कौन सी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, समझना आप लोग। ये देखो, व्हाई इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, इट मींस ये आपसे एग्जाम में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो इसके रीजंस करें अपन, किसी को नोट करना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कर लिया मैम नोट। यस मैम, हो गया। देखो तो एग्जाम में पूछेगा व्हाई इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। तो सबसे पहला तो समझो, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलके बनेगी एवरेज कॉस्ट। और दोनों कर्व देखो, एक नीचे की तरफ जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे करके ऐसे आती है। ये दोनों कॉस्ट को प्लस करते हैं तो आती है एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहला बेस ये कि इन दोनों का एग्रीगेट है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होते जाएगा, है ना, देखो मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में ये कर्व ऐसे जा रही थी, है ना, इट मींस जैसे जैसे आउटपुट ये बढ़ते जा रहा था, ये जीरो था, 1 2 3 4 ये 5, तो 1 में टॉप पे थी, 2 पे यहाँ पे आई, है ना, 3 पे यहाँ पहुंच गई, 4th पे यहाँ पे, और 5th पे यहाँ पे, ऐसे। तो जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ता जाता है तो जो कॉस्ट है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। बोलते हैं ना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा कॉस्ट क्या होती जाती है? कम। तो इसलिए वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आती है। और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वाली जो कर्व है, ये ऐसे नीचे से जाके फिर ऐसे ऊपर जाती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लिखना, आउटपुट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। इसलिए, लेकिन एक मिनिमम पॉइंट के बाद, आफ्टर अ मिनिमम पॉइंट, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टॉप फॉलिंग हो जाती है। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो नीचे की तरफ जाती जा रही है, ये देखो, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है एक पॉइंट के बाद वो नीचे की तरफ जाना रुक के, वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए इन दोनों के मिक्सचर पे ये यू शेप बनाती है।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? सेकंड देखो, सेकंड रीजन हम बोल सकते हैं बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था? याद नहीं है तो याद रखना आप लोग कि एक पॉइंट, ये जो ऐसे वाला एक डायग्राम नहीं बनाया था, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे करके ऊपर जाती है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आती है. एवरेज कॉस्ट कैसे यहाँ से निकल के यहाँ पे आती है, और मार्जिनल कॉस्ट ये ऊपर से तरफ कैसे ये नीचे जाती है. याद आया डायग्राम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? तो क्या होता है इसमें भी, जो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है देखो, तो जब एक फैक्टर उसमें बढ़ाते जाते हैं अपन, तो क्या होता है उसमें आउटपुट बढ़ते जाता है ना, इंक्रीजिंग वे. दो लगाए तो 11, तीन लगाए तो 14, चार लगाए तो 15, ये प्रोडक्शन बढ़ते जाता है. फिर एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, आउटपुट बढ़ता तो है बट डिक्लाइनिंग वे में, जैसे ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्लाइनिंग वे में, तो ये भी बेस है इसका. यहां तक क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. मार्जिनल का मैंने बताया है, जैसे ही एक आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिनल. मार्जिनल की मीनिंग क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? कितनी बार बता दिया है मैंने मार्जिनल? डाउट है किसी को? नो मैम. फॉर्मूला लिखवाई थी, बताओ. बताओ फॉर्मूला, बताओ. देखो बताया ना, एन प्लस वन माइनस एन करते हैं ये हमेशा अपन. देखो अब अपन इसका कॉस्ट का वो पढ़ेंगे इसमें रिलेशनशिप. तो सपोज अगर हम इसको चार्ट से समझेंगे, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, है ना. तो आउटपुट कितना था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल कॉस्ट सपोज अगर मैं इसमें लेती हूँ 100, इसका लेती हूँ 200, सेकेंड में लेती हूँ 280, थर्ड में लूँगी 340, फोर्थ में लूँगी 380, फिफ्थ में लेती हूँ 420, सिक्स्थ में ले रही हूँ मैं 480, और सेवेंथ में मैं ले रही हूँ 560. तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक यूनिट आउटपुट बढ़ने से जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस. तो देखो इसमें तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं आएगी. अब इसमें मार्जिनल देखो कितनी आएगी, ये जीरो से एक बढ़ा दिया तो ये 200 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया इसमें, 100. इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 80. फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है देखो, 60, 40. फिर कितने का आ रहा है देखो, फिर से 40 का, अब 60, और ये हो गया फिर से 80. तो ये था मार्जिनल कॉस्ट. अब मैं इसको प्लॉटिंग करूंगी ग्राफ में सपोज, तो देखो कैसे प्लॉटिंग मिलेगी अपने को. देखो 0 हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
अब देखो मैं कितने का बेस लूं इसमें, 50-50 का लूं कि 100-100 का लूं? ये देखो मार्जिनल कॉस्ट के लिए 20 का बेस लेती हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस मैम आ रहा है। देखो जीरो पे तो जीरो, वन पे क्या बन रहा है देखो 100, टू पे 80, थ्री पे 60, ये देखो ये थ्री पे 60, फोर पे 40, फाइव पे फिर 40, सिक्स पे क्या बन रहा है 60, सेवन पे 80, ये ऊपर की तरफ, ये देखो तो ये कर्व देखो ऐसे बन रही है। आ रहा है समझ में ये कर्व कैसे बन रही है ऐसे? अब देखो इसी चीज को, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मैं बता रही हूं, अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं ये टॉपिक है ना, जल्दी जल्दी लिखते हैं, टाइम देखो बहुत कम रहता है एग्जाम में। एक चीज याद रखना हमेशा, जब आप लोग ये सब डायग्राम्स बनाएंगे तो ये इतने नंबरिंग मत करना प्लॉटिंग के टाइम, बस कट टू कट क्या करना आप लोग ऐसे ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता उसमें, लिखना ज्यादा है। अगर इस पे आप लोग टाइम दे देंगे ना तो आप एग्जाम में आंसर अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपको कंटिन्यू 3 आवर्स लिखने हैं 6 क्वेश्चन, वो भी 8-8, 9-9 पेजेस। तो कट टू कट डायरेक्ट ऐसे करके ये ऐसे बनाना, यहाँ पे लिख लेना नीचे क्या आउटपुट, यहाँ लिख लेना कॉस्ट, बस ये कौन सी कर्व बन गई मार्जिनल कॉस्ट। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। और ये अगर टाइम, ये इतना आपके पास टाइम है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे है ना, और ये ऐसे फास्ट, ये ऐसे एक घंटा मत करते रहना। चाहे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज बना रहे हैं, कोई भी आप बना रहे हैं ना, सिर्फ मैं मार्जिनल कॉस्ट की बन रही हूँ, मैं सब चीज में बता रही हूँ, इवन जो मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बताया था, बस आप उसमें नेचर याद रखना, ऐसे ऊपर जाएगी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऐसे आती है और मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी ये मार्जिनल कॉस्ट ऐसे आएगी और एवरेज कॉस्ट ऊपर की तरफ से ऐसे आती है कुछ। तो आप लोग क्या करना, देखना लाइन कैसे बनती है, लाइंस का उसमें वेरिएशन गलत मत देना, इसलिए जल्दी जल्दी बनेगा आपसे। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को, रिलेशनशिप बिटवीन। नेक्स्ट देखो, रफ करूं इसको, की नोट कर रहे हैं आप लोग? होगा मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब अपन एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। क्यों करेंगे? देखो एवरेज कॉस्ट कैसे बन रही थी अपनी, ऐसे करके जा रही थी है ना, मार्जिनल कॉस्ट कैसे आ रही है अपनी, ये भी ऐसे ही आ रही है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों कॉस्ट में। याद आया, एवरेज कॉस्ट ऐसे बन रही थी और मार्जिनल कॉस्ट ऐसे। एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं टोटल करती हूँ तो ये इस टाइप से बनती है। आ रहा है समझ में? तो अब देखो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, कुछ तो डिफरेंस होगा तो हम वो स्टडी करेंगे। देखो आउटपुट, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया और यहाँ पे टोटल कॉस्ट सपोज 60 और ये 80, देन 96, 108, 124, 150 और 192। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट से डिवाइड करूंगी मैं आउटपुट को, याद रखना। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट को न्यू वाले में से ओल्ड वाले में इसको माइनस कर देना, ये ऐसे निकलता है। तो 60 डिवाइड बाय 0 कुछ भी नहीं आएगा,
80 बाय 1 करूंगी तो 80, 96 बाय 2 करूंगी तो 48, ये आ जाएगा 36, ये आएगा 31, ये आएगा 30, ये आ जाएगा 32. किसी को डाउट है इसको क्लियर करने में, कैलकुलेट करने में, तो पूछो पहले मुझसे. प्रशांत, योगिता, अपर्णा, क्लियर कर लेंगे ना आप लोग एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? Yes, अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगा? ओल्ड वाले में से न्यू वाले में से ओल्ड को माइनस करना. तो यहाँ पर देखो 80 माइनस 60 20, ये एवरेज कॉस्ट को माइनस नहीं कर देना गलती से, इसको माइनस करना है. 96 माइनस 80 16 12 16 26 और ये हो गया 42. अब इन दोनों को ना प्लॉटिंग करनी है अपने को, मेन बस यही है. ठीक है, देखो अब प्लॉटिंग करेंगे तो देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. पहले एवरेज कॉस्ट को अगर मैं प्लॉटिंग करूं 0 टू 6 के बेस में, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया. अब देखो एवरेज कॉस्ट में कितना है, 8 के मार्जिन में डाल रही हूं या 10 10 के मार्जिन में, किस में डालूं बताओ? फोर्टी एट के बाद क्या आएगा? 3 पे कितना आ रहा है? 36, तो ये यहां कहीं आएगा. 4 पे 31, 32 के जस्ट नीचे. 5 पे आ रहा है कितना? 30, तो इसके थोड़ा सा जस्ट नीचे. और 6 पे कितना आ रहा है देखो? 32, ये देखो आ रहा है कर्व समझ में? एवरेज कॉस्ट देखो, तो और भी आगे होता ना तो ये इतना जाती है यहां तक. ठीक है, तो ये हो गई अपनी एवरेज कॉस्ट. यहां तक डाउट है तो पूछो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगी. बताओ डाउट है कोई? प्रशांत, अपर्णा, योगिता? नो मैम. नो मैम. अब मार्जिनल कॉस्ट देखो, 1 पे कितना आ रहा है? 20, ये 1, ये 20 देखो. सेकेंड पे 16, थर्ड पे कितना आ रहा है? 12, नीचे की तरफ जस्ट. फोर्थ पे कितना आ रहा है? 26, देखो यहां पे आ जाएगा सडनली. फिफ्थ पे कितना आ रहा है? एक सेकेंड, 20, 16, 12, फोर्थ पे आ रहा है 16, फिर से यहां पे. फिफ्थ में आ रहा है 26, यानी इधर आएगा कहीं. फिफ्थ पे देखा ये 26, और सिक्स्थ पे कहां जा रहा है देखो? ऊपर 42, कहां गया? ये यहां पे कहीं आएगा, ये देखो. तो अब देखो ये कैसे काट रहा है इसको, ये देखो, ये यहां से लिया इसको, नीचे से आ रही है देखो मार्जिनल कॉस्ट, और ये कटते हुए इसको ऊपर की तरफ भी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया सिक्स. तो देखो मार्जिनल कॉस्ट, तो
हमेशा याद रखना. अब ये रिलेशनशिप बनाएंगे जब आप लोग, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम, किससे कैलकुलेट किए अपन, टोटल कॉस्ट से. आया पहला रिलेशनशिप समझ में? यस मैम. सेकेंड पॉइंट, व्हेन एसी फॉल्स एम आल्सो फॉल्स. देखो जब एवरेज कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी. ये देखो एवरेज कॉस्ट 80, 48, 36, 31, 30, तो मार्जिनल कॉस्ट भी देखो कम हो रही थी 20, 16, 20. ये ग्राफ में कम होना नहीं दिखेगा, ये नंबर्स में कम होना दिखेगा. मतलब ये एवरेज कॉस्ट को अपने आप से ही कंपेयर करना तो वो डाउनवर्ड जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट भी अपने आप से इसमें कंपेयर करेंगे प्रीवियस वाले में से तो माइनस होता जाएगा. इन दोनों का कंपैरिजन मत करना ना, इसमें बताना. जब एवरेज कॉस्ट खुद से ही कम हो रहा है, 80 था अब 48 हो गया, 36 तो अपने प्रीवियस वाले में से ही देखो कम हो रहा है. सेम मार्जिनल कॉस्ट अपने ही प्रीवियस वाले में से कम हो रहा है 16, 12. मतलब जब एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल. थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइज मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो राइजिंग. थर्ड, एवरेज कॉस्ट देखो अब 30 के बाद ना 32 हो गया, अब 30 से कम था पहले, कम हो रहा था अब बढ़ना शुरू हो गया. सेम मार्जिनल कॉस्ट भी देखो ये 26 पे आ रहा है कम, और सडनली ये भी बढ़ रहा है. तो एवरेज कॉस्ट जब बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी. फोर्थ पॉइंट, फॉर अ ब्रीफ अगर देखना चाहो तो एवरेज कॉस्ट में कंटिन्यू टू डिक्लाइन. एवरेज कॉस्ट कम ही हो रहा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है. कैसे देखो, ये एवरेज कॉस्ट 30 से 32 हो गया लेकिन मार्जिनल कॉस्ट 26 से 28 नहीं हो रही है, डायरेक्ट 42 हो रही है. इट मींस देखो ये बढ़ तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो फोर्थ क्या लिखेंगे अपन इसमें, फॉर अ ब्रीफ स्ट्रेच एवरेज कॉस्ट मे कंटिन्यू टू राइज. मतलब अगर ज्यादा डीप में देखेंगे तो. नेक्स्ट देखो, मार्जिनल कॉस्ट कट एवरेज कॉस्ट एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट. तो देखो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये डायग्राम पे अगर आप देखो, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट कट करती है किसको, एवरेज कॉस्ट को, और वो भी लोवेस्ट पॉइंट पे. लोवेस्ट पॉइंट मीन्स जब वो सबसे नीचे हो. जब ये देखो ये 30 पे था, 30 वाला कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ. ये देखो ये फिफ्थ पॉइंट पे ये 30 पे आई, और जब वो अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे था तब उसको मार्जिनल कॉस्ट काट के ऊपर की तरफ जा रही है. तो मार्जिनल कॉस्ट कट एवरेज कॉस्ट एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट. नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. देखो ये कट हो रही है तो इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये देखो ये ऐसे आ रही है, और मार्जिनल क्या होती है, नीचे से आके ऊपर की तरफ जाती है ऐसे. तो देखो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये देखो ये जो पॉइंट है इनका इंटरेक्टिंग पॉइंट. आया समझ में म्यूचुअल इंटरेक्शन? बताओ किसी को समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो पूछो. कोई डाउट है तो पूछो. एक बार समझाओ ना. कौन सा वाला बेटा? हम म्यूचुअल वाला, इंटरसेक्ट वाला बिटवीन ए. हाँ एक सेकंड. हम एवरेज और हाँ ये वाला बोल रही हो ना, सिक्स्थ वाला. सिक्स्थ पॉइंट बोल रही हो? यस मैम. देखो ना ये कट रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ये दोनों देख रहा है, ये कटिंग पॉइंट, ये जो कटिंग पॉइंट है ना, इसी को इंटरेक्शन बोल रहे हैं. बस कि ये दोनों म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है बस, और कुछ नहीं बोल रहा है. देखो
जैसे इंटरेक्शन मींस अगर नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में देखो ना, एक दूसरे से बात करना हो रहा है, तो सपोज सोचो ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन, बस और कुछ नहीं है। आया समझ में? यस मैम।